अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, B1 इंग्लिश टेस्ट के लिए मैंने फैमिली टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले। आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि आपकी हेल्प हो सके और मैं आपको डिटेल के साथ इस टेस्ट के बारे में और बता सकूं और इन्फॉर्मेशन दे सकूं। जब आप टेस्ट की तैयारी करते हैं और टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो आपके दिल में बहुत से सवाल होते हैं, जैसा कि व्हाट डू आई नीड टू टेक टू द टेस्ट सेंटर, हमें टेस्ट सेंटर में अपने साथ क्या लेकर जाना पड़ता है। What happened when you get to the test center? जब हम टेस्ट सेंटर में जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं वहाँ पर। How long does B1 test take? So B1 test को देने में कितना टाइम लगता है। Is it easy to pass B1 English test? अच्छा, B1 English test को पास करना आसान है या कैसा है। टिप्स टू पास इंग्लिश टेस्ट, सो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आप इजीली अगर वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह आप टेस्ट पास कर लेंगे। हाउ लॉन्ग B1 इंग्लिश टेस्ट वैलिड फॉर, ये क्वेश्चन हर एक के दिल में होता है कि हमारा जो इंग्लिश टेस्ट है वो कितने साल तक वैलिड रहेगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब बता सकूँ और आपको टेस्ट की तैयारी भी साथ में करा सकूँ। अच्छा, आपको ट्रिनिटी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, जो भी सेंटर आपके नियर हो वो आप बुक कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन जाकर टेस्ट की बुकिंग करते हैं तो जो भी आप आईडी वहाँ पर मेंशन करते हैं वो आपको अपने साथ लेकर जानी पड़ती है। एग्जाम्पल, अगर आपने पासपोर्ट सेलेक्ट किया है तो या फिर कोई और आईडी सेलेक्ट किया है तो वो आपको अपने साथ लेके जानी पड़ती है, और उसके साथ आपको कंफर्मेशन ईमेल होता है वो, और जो भी टॉपिक आप अपने हिसाब से बनवाते हैं, मतलब अगर आपको फैमिली टॉपिक पसंद है या कंट्री के ऊपर है या जो भी है तो वो आपने अपने साथ लेके जाते हैं। तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ जानना है तो लिंक मेरी वीडियो के नीचे होगा, वो आप देख लीजिएगा और उसके हिसाब से आप तैयारी भी कर लीजिएगा अगर आपको फैमिली टॉपिक पे तैयारी करनी है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट हैपन व्हेन यू गेट टू द टेस्ट सेंटर, जब आप टेस्ट सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे कैसा होता है, क्या होता है। इस रूम में हम टेस्ट देंगे, वहाँ पे कितने लोग होते हैं या कैसा होगा, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी हैं तो लोगों के दिल में बहुत से सवाल होते हैं, फिर वो जानना चाहते हैं। तो जब आप टेस्ट सेंटर में जाते हैं वहाँ पर ऐसा होता है कि आपको अपनी आईडी ऑफिसली शो करनी पड़ती है, तो उसके साथ जो कंफर्मेशन ईमेल है वो मैंने आगे ऑलरेडी मेंशन किया, वो आपको दिखानी पड़ती है। और टेस्ट सेंटर में जब आप जाते हैं आपकी चेकिंग के बाद वो टेस्ट का आपको वेट करना पड़ता है। जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ स्क्रीन के ऊपर आपको सवाल जवाब देने पड़ते हैं और वहाँ पे सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके साथ वहाँ पे रूम में कोई और होगा, सिर्फ एग्जामिनर के अलावा और कोई साथ आप और कोई रूम में आपके साथ नहीं होगा। अगला सवाल ये है कि हाउ लॉन्ग डज B1 टेस्ट टेक, तो जो B1 टेस्ट है वो देने में कितना टाइम लगता है, कितने सवाल जवाब होते हैं। ये तो हर एक के दिल में सवाल होता है, इसके बारे में सब नर्वस होते हैं कि कितने सवाल पूछेंगे वो हमसे, कितना टाइम लगेगा। अच्छा, 10 मिनट का टाइम पीरियड होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो पहला जो आप वो टॉपिक लेके जाते हैं उसमें से वो आपसे सवाल जो आप पूछते हैं, और दूसरा जो है वो छः टॉपिक होते हैं, म्यूज़िक, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशल ओकेजन्स, फेस्टिवल, रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस और इंटरटेनमेंट। वो इसमें से कोई भी दो चूज़ करके उसमें से सवाल पूछते हैं, तो 10 मिनट का होता है। जो टॉपिक आप अपने साथ लेके जाते हैं वो आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको मिडल में टॉपिक लिखना है, फैमिली हो गया या जो भी हो गया वो आप लिखेंगे, और साथ में जो आपको पॉइंट्स उन पे बनाने हैं और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन और आंसर जो भी होंगे आपके तैयार करने हैं वो कर लेंगे। अगला सवाल ये है कि इज़ इट ईजी टू पास B1 इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट पास करना आसान है या कैसा है। जो भी सवाल वो पूछेंगे ना वो आपके सिर्फ टॉपिक से पूछेंगे या जो वो छह दूसरे टॉपिक से उन पे से पूछेंगे, वो कोई भी बाहर से नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ इजी सवाल होंगे, छोटे से सवाल होंगे, वो इतनी लंबी आपको कंफर्म उनको आंसर नहीं देना पड़ेगा इतना ज़्यादा। कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हाउ आर यू, आपको कहना कर पड़ेगा आई एम फाइन, आप ऐसा नहीं कह सकते फाइन, सो आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा आई एम फाइन।
अच्छा अगला सवाल है, टिप्स टू पास इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट पास करने की टिप्स कौन सी हैं? तो सवाल जब होंगे वो सिर्फ बेसिक हैं, वो जो आपको टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं में से हैं। सो आपको नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंस होना है। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, जब आप जाते हैं अंदर इंटर होते हैं तो आपको कहना पड़ेगा हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसा भी अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग करना पड़ेगा, अगर गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून कहना पड़ेगा। सो आपको झिझकना नहीं है, आपको अच्छे से सवाल के जवाब सवालों में से ही आपको जवाब पूरे देने हैं। आपको शॉर्ट आंसर नहीं देना, पूरा आंसर देना है। आपको स्क्रीन की तरफ देखकर जवाब देना होगा। अगर आपको कोई जवाब समझ नहीं आया तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हियरिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई है तो आप बाहर जाकर उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको समझ लगे कि वो क्या आपसे पूछ रहे हैं। सवाल है, हाउ लॉन्ग B1 इंग्लिश टेस्ट वो वैलिड फॉर। सो ये सवाल हर एक के दिल में है कि B1 जो इंग्लिश टेस्ट है वो कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है। तो ये जो टेस्ट है जब आप देते हैं, तो अगर आप सिटीजनशिप के लिए दे रहे हैं या ILR के लिए दे रहे हैं तो ये टेस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिर्फ 2 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेट सिर्फ 2 साल तक, 2 साल के बाद ही एक्सपायरी हो जाता है। फैमिली टॉपिक पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड की हुई है, तो फिर मैंने अभी अपलोड करने थे एक और वीडियो, वो थी जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसके बारे में। पर उससे पहले क्यों मैंने सोचा कि क्यों मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप हमें इस बारे में भी बताएं कि जो हम टेस्ट देने के लिए जाते हैं या हमें क्या लेके जाना पड़ता है, वहाँ पर कौन से सवाल जो आप पूछते हैं ईजी होते हैं कि ये नहीं। मैंने छोटी सी वीडियो में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की इसके बारे में, तो आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो दूसरे पार्ट के बारे में होगी। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा, मैं इन टॉपिक्स के बारे में भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके साथ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट प्लीज। हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, जहां रहिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।